हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे हैश फंक्शन। ये जो हैश फंक्शन है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेटवर्क सिक्योरिटी में जब हम लोग मैक फंक्शन यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग डेटा को सिक्योर रखने के लिए जैसे यूज़ करते हैं, उसी तरह से हैश फंक्शन भी डेटा को सिक्योर रखने के लिए यूज़ होता है। आज हम लोग इस वीडियो में हैश फंक्शन रिलेटेड हर एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। हैश फंक्शन क्यों यूज़ होता है, ये हैश फंक्शन क्या है एंड इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हों वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं हैश फंक्शन क्या है। हैश फंक्शन, ये हैश फंक्शन इज ए फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड ए मैप डेटा ऑफ ऑर्बिटरी साइज टू फिक्स्ड साइज लेंथ। मतलब क्या है, एक डेटा का साइज यहाँ पर एक फिक्स्ड लेंथ साइज होगा। हम लोग जो डेटा सेंड करते हैं, डेटा के साथ कुछ फिक्स्ड लेंथ का हैश फंक्शन ऐड होकर जो डेटा आएगा उसको हम लोग हैश फंक्शन या फिर हैश वैल्यू, इसको हम लोग हैश वैल्यू बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द वैल्यू रिटर्न्स बाय ए हैश फंक्शन आर कॉल्ड हैश वैल्यू। जैसे लाइव एग्जांपल लिख लीजिए, हम लोग पासवर्ड जब यूज़ करते हैं, चाहे वो मेल का पासवर्ड हो या फिर हम लोग बैंकिंग के जो पासवर्ड यूज़ करते हैं, वो सब पासवर्ड जब हम लोग एंट्री करते हैं, आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जब लॉगिन करते हैं SBI या फिर कोई भी, तो वहाँ पर देखेंगे कि जब भी हम लोग एक पासवर्ड देते हैं, मान लीजिए हमारा पासवर्ड का लेंथ है 8, उसी लेंथ को हम लोग एंट्री करते हैं, उसके बाद जब भी हम लोग लॉगिन के बटन पर प्रेस करते हैं, लॉगिन के बटन पर, तो देखते हैं कि ये जो लेंथ है ये 8 से ज़्यादा लेंथ हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो लॉगिन कर रहे हैं तो इसी 8 लेंथ के साथ एक हैश फंक्शन ऐड हो जाता है, उसके बाद ये डेटाबेस में जाता है, ये चेक करता है, वहाँ पर जाके चेक करता है कि ये जो पासवर्ड मैंने डाला है वो पासवर्ड करेक्ट है या फिर नहीं। वो करेक्ट है तो ही हम लोगों को उस सेशन में लॉगिन करने का इजाज़त देता है, अदरवाइज वो दिखाता है पासवर्ड या फिर यूज़र नेम इनवैलिड है। इसी तरह से ये हैश फंक्शन काम करता है, ये हमारा लाइव एग्जांपल है। जब भी हम लोग हैश फंक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या है, देखिए ये एक हैश फंक्शन, मैंने पहले बताया ये एक फिक्स्ड लेंथ का साइज है। ये जो हैश फंक्शन है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसके यूज़ करने के लिए मेनली हम लोग डेटा इंटीग्रिटी यूज़ करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, हम लोग जब भी कोई डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं तो चाहते हैं कि ये एक ऑथराइज इंसान या फिर बंदा पर्सन वो डेटा को यूज़ करे, उसके अलावा कोई और इस डेटा को यूज़ ना कर सके। क्योंकि देखिए हम लोग जब भी कोई डेटाबेस में फाइल यूज़ करते हैं या फिर हम अपना पासवर्ड ही मान लीजिए, अगर मैं अपना पासवर्ड दूसरों के साथ अगर शेयर करूंगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई भी बैंकिंग का पासवर्ड, कोई मेरा फ्रेंड हो या फिर कोई भी पर्सन जो बैंकिंग का पासवर्ड हम लोग से लेकर वहाँ से पैसा विदड्रॉ कर सकता है या फिर किसी को सेंड कर सकता है या फिर कुछ ख़रीदारी भी कर सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इससे क्या है, मेरे बैंकिंग का जो मनी है वो तो सिक्योर नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो पासवर्ड है वो सिर्फ मेरे पास ही रहे और कोई इसको यूज़ ना कर सके। यही है डेटा इंटीग्रिटी, मेरा जो डेटा है वो मेरे पास ही सिक्योर रहेगा, अदरवाइज कोई उसको यूज़ नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग ये हैश फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के या फिर हम लोगों के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी डेटा को अगर सर्कुलर जारी करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट का एक सिग्नेचर रहता है या फिर गवर्नमेंट का एक स्टैंप रहता है, या ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के लिए भी है, जो प्रिंसिपल है उसका स्टैंप एंड सिग्नेचर रहता है, तो ही हम लोग मानते हैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, इसको तो कोई और दूसरा पर्सन कॉपी नहीं कर सकता। उसी तरह से ये जो सिग्नेचर एंड पासवर्ड या फिर स्टैंप है, ये अगर कोई दूसरा अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर इसको कॉपी कर लेगा तो इसमें जो लिखा हुआ है नोट वो किसी कोई भी मिसयूज़ कर सकता है,
उसी मिसयूज़ को रोकने के लिए हम लोग डेटा इंटीग्रिटी को यूज़ करते हैं। कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन इस डेटा को यूज़ ना कर सके, इसलिए हम लोग डेटा इंटीग्रिटी को यूज़ करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ही यही है, ये जो डेटा है, मान लीजिए ये जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का जो डेटा है, ये जो सर्कुलर जारी करेगा वो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के अलावा कोई और उसको चेंज नहीं कर पाएगा, तो वही है डेटा इंटीग्रिटी। मतलब मेरा डेटा सिर्फ मेरे पास ही सिक्योर रहेगा, या फिर मैंने कुछ ऑथोराइज्ड पर्सन को ये हक दिया है कि मेरे डेटा को वही यूज़ कर सके, दूसरा कोई और यूज़ ना कर सके, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो, इसीलिए हम लोग ये डेटा इंटीग्रिटी को रखते हैं। डेटा इंटीग्रिटी रखने के लिए हम लोग इसी हैश फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो हैश फंक्शन कैसे काम करता है ये देखिए। मान लीजिए ये जो 8 लेंथ का ये जो कैरेक्टर है, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, जो पासवर्ड है, ये कैरेक्टर उसके साथ नंबर कुछ भी ऐड हो सकता है। उसी पासवर्ड के साथ एक हैश फंक्शन ऐड होता है। हैश फंक्शन मान लीजिए ये फिक्स्ड लेंथ का है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, या फिर फंक्शन हो सकता है, या फिर ऐड कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये हैश फंक्शन यूज़ होके एक दूसरा एक वैल्यू क्रिएट होता है, ये दूसरा एक वैल्यू क्रिएट होता है जिसको हम लोग हैश वैल्यू या फिर डाइजेस्ट, डेटा डाइजेस्ट बोलते हैं। इसको डेटा डाइजेस्ट हम लोग बोलते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है कि डेटा डाइजेस्ट क्या है, इसको याद से रख लीजिएगा। जैसे हम लोग मैक फंक्शन में क्या यूज़ करते हैं, जब मैक फंक्शन होता है तो इसमें हम लोग क्या होता है, ओरिजिनल जो मैसेज होता है, मैसेज के साथ एक की ऐड होता है, की वैल्यू ऐड होता है, उसके बाद ये डेटा को सिक्योर करता है। सिमिलरली यहाँ पर की वैल्यू नहीं होकर यहाँ पर हैश फंक्शन ऐड होता है, उसके बाद जो ओरिजिनल डेटा के बाद हैश फंक्शन ऐड होकर जो डेटा क्रिएट होता है उसको डेटा डाइजेस्ट हम लोग बोलते हैं। और एक बात है, जैसे हम लोग मैक फंक्शन में क्या करते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करते हैं। यहाँ पर डेटा को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट मतलब कोई भी उसको अनऑथोराइज्ड पर्सन इसको पढ़ ना पाए, वो ही करते हैं। जब सेंडर इनक्रिप्ट करके ये रिसीवर को सेंड करता है, रिसीवर क्या करता है, उसी डेटा को डिक्रिप्ट करके वही फंक्शंस को यूज़ करके उसको डिक्रिप्ट करता है। तो वही वो मैक फंक्शन में काम करता है। उसी तरह से हैश फंक्शन में क्या होता है, जो ओरिजिनल डेटा के पास, ये ओरिजिनल डेटा एंड हैश फंक्शन किसी सेंडर को हम लोग सेंड कर रहे हैं, सेंडर को जब सेंड कर रहे हैं तो उसके पास ये हैश फंक्शन और ओरिजिनल डेटा दोनों ही रहता है। तो वो क्या करता है, उसी जो उसको ये डेटा डाइजेस्ट मिलता है, ये कहीं पर डेटाबेस में सेव होता है, बट जब भी हम लोग रिसीवर को सेंड करते हैं तो ये डेटा डाइजेस्ट हम उसके पास पहुँच जाता है। हम लोग जब किसी सेंडर को डेटा सेंड करते हैं तो वो क्या होता है, सेंडर जब रिसीवर को डेटा सेंड करता है तो ये दो ऑटोमेटिक एक डेटा उसके पास पहुंच जाता है और ये डेटाबेस में कहीं और जगह पर सेव हो जाता है, बट उसको ये डेटा डाइजेस्ट मिलता है। डेटा डाइजेस्ट जब मिलता है तो वो क्या करता है, इसी डेटा डाइजेस्ट के ऊपर इस हैश फंक्शन को यूज़ करता है। उसी डेटा के ऊपर, ये जो डेटा डाइजेस्ट है, इसी डेटा डाइजेस्ट के ऊपर हैश फंक्शन को यूज़ करके उसको ये ओरिजिनल डेटा मिलता है या फिर नहीं, वो चेक करता है रिसीवर। मैक फंक्शन में डिक्रिप्ट करके निकल जाता है, बट हैश फंक्शन में थोड़ा डिफरेंट होता है। यही मैक फंक्शन एंड हैश फंक्शन में थोड़ा डिफरेंट है। साथ ही साथ इसका कुछ पॉइंट है देख लीजिए। तो हैश फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो है इसका फिक्स्ड लेंथ वैल्यू रहता है इसका। ये जो हैश फंक्शन है ये एक प्रोसेस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए ये यूज़ नहीं होता है। ये नॉर्मल मैसेज के साथ एक हैश फंक्शन ऐड होके ये हैश वैल्यू या फिर डेटा डाइजेस्ट क्रिएट होता है। ये जो हैश फंक्शन है ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। एक फंक्शन होता है जो बहुत टाइप के होता है। फर्स्ट एक आपका होता है के मॉड आई या फिर के मॉड एन, एक होता है मिड स्क्वायर फोल्डिंग मेथड। ये कुछ पॉइंट है हैश फंक्शन के, जो हम लोग जब भी हैश फंक्शन यूज़ करते हैं तो इसी प्रोसेस में हम लोग हैश फंक्शन को यूज़ करते हैं।
इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है के मॉड आई, के मॉड एन, ये जो वैल्यू है ये इम्पॉर्टेंट है। मिड स्क्वायर फोल्डिंग पॉइंट ए भी इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर एग्जाम में ये दो ही आते हैं। इसके रिलेटेड हम लोग हैश फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज ये इतना ही याद रखिएगा, हैश फंक्शन क्यों यूज़ होता है, मैक फंक्शन के साथ इसका क्या डिफरेंस है। ये जो मैक फंक्शन यूज़ होता है नेटवर्किंग में डेटा को सेंड करने के लिए, उसके साथ हैश फंक्शन का क्या डिफरेंस है। मैक फंक्शन में कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहता है या फिर फिक्स्ड लेंथ रहता है। मैक फंक्शन में क्या होता है, मैसेज के साथ एक की ऐड होता है या फिर जो ओरिजिनल डेटा है उसके साथ एक फिक्स्ड लेंथ का हैश फंक्शन यूज़ होता है, और उसके बाद उसको यूज़ होकर जो डेटा आता है उसको हैश वैल्यू या फिर डेटा डाइजेस्ट हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैक फंक्शन में भी ये डेटा इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर भी डेटा इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए ही यूज़ होता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है हैश फंक्शन रिलेटेड, और इसके रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। आज इतना ही, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।